हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फोरेंसिक एक्सट्रैक्ट। एंड आज का जो केस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हो यदि कोई इंसान अपनी पुरानी जिंदगी की सारी कहानी बताए? सरप्राइजिंग लगता है और विश्वास करने लायक भी बात नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं। साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है, बट एविडेंसेस के बेसिस पे इन केसेस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। रीइंकार्नेशन पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी करी, केसेस बहुत सारे हैं, जिसमें एक फुली एक्सप्लेन जो केस है वो है शांति देवी एंड लुक्ती बाई का केस। इंडिया का केस है जिसपे बहुत सारी स्टडी हुई। फिर इंडिपेंडेंस जो टाइम था उस टाइम का एक केस है। सो फुल स्टोरी के लिए कीप ऑन वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रेंड्स के एक्सट्रैक्ट एंड ब्रैक टू द लाइक। क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो तुम? हाँ, ये खून के धब्बे हैं जो मैंने लगाए थे। क्या क्या कह रहे हो तुम? लेकिन ये तस्वीर तो बहुत पुरानी होगी। ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये धब्बे मैंने लगाए थे। मुझे याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। जाने कब की बात है ये? शायद मेरे पिछले जन्म की। 1902 में मथुरा में एक चतुर्भुज नाम के व्यक्ति था, जिसके घर में एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम था लुक्ती बाई। लुक्ती बाई जब 10 साल की होती है तो उसका एक कपड़े के व्यापारी से शादी कर दी जाती है। व्यापारी की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसकी शादी लुक्ती बाई से फिर से करी जाती है। लुक्ती बाई जब प्रेग्नेंट होती है कुछ महीनों के बाद, तो पहला बच्चा मरा हुआ पैदा होता है सीजीरियन सेक्शन से। दूसरी प्रेगनेंसी में फिर से उसका सीजीरियन सेक्शन होता है, लेकिन बच्चा सरवाइव कर जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होता है और लुक्ती बाई बच नहीं पाती है। बच्चा पैदा होने के 9 दिन बाद लुक्ती बाई की मृत्यु हो जाती है। एंड मृत्यु की तारीख थी 4 अक्टूबर 1925। कुछ महीनों के बाद 12 दिसंबर 1926 को दिल्ली में राम बहादुर नाम के एक व्यक्ति के यहाँ बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम था शांति देवी। शांति देवी 4 साल तक कुछ बात नहीं करती है घर वालों से, लेकिन 4 साल के बाद में सीधा वो बात करती है, तो नाम लेती है अपने पति को और बच्चे का। पुरानी लाइफ की सारी बातें वो अपने घर वालों को बताती है, और यहां तक कि घर वालों के मना करने के बावजूद 6 साल की उम्र में शांति देवी घर छोड़ के मथुरा जाने की जिद भी करती है। घर वालों ने इग्नोर किया, काफी सालों तक ऐसे चलता रहा। एक बार जब शांति देवी रामजस पब्लिक स्कूल दरियागंज में पढ़ रही थी, तो शांति देवी के टीचर ने उसको पूछा कि उसके पति का नाम क्या है। शांति देवी शर्माई, लेकिन नाम नहीं बताया उसने, क्योंकि इंडिया में ये ट्रेडिशन है, ये कस्टम है कि वाइफ यूजुअली अपने पति का नाम नहीं लेती है। लेकिन जब टीचर ने शांति देवी को ये बोला कि वो उसको मथुरा लेके जाएंगे और अपने पति और बच्चे से मिलवाएंगे, सो शांति देवी ने टीचर को नाम बताया और नाम था केदारनाथ चौबे। केदारनाथ चौबे उस टाइम का एक कपड़े का व्यापारी था। शांति देवी ने केदारनाथ चौबे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने टीचर को बताई और केस धीरे धीरे वायरल होने लगा। आसपास के गांव में, आसपास की जगह में इंफॉर्मेशन फैलने लगी, न्यूज फैलने लगी कि लुक्ती बाई का कुछ महीनों के बाद फिर से पुनर्जन्म हो गया। जब शांति देवी के टीचर ने केदारनाथ चौबे को पत्र लिखा, तो केदारनाथ चौबे ने अपने दिल्ली के कजन को शांति देवी के पास मिलने के लिए भेजा। दिल्ली का वो कजन पूरा सहमत हो जाता है शांति देवी की जवाबों से,
शांति देवी को सब कुछ पता था, उसका घर कहाँ है, कहाँ पे उसकी पति की शॉप है, कितने उसके बच्चे हैं, कितना किस तरह का उसका पति दिखता है। ये बातें जब केदारनाथ चौबे को पता लगती हैं, तो केदारनाथ चौबे अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी और बच्चे के साथ दिल्ली आता है शांति देवी से मिलने। केदारनाथ चौबे शांति देवी को ये बताता है कि वो उसके पति का बड़ा भाई है, लेकिन शांति देवी चूकती नहीं है और वो केदारनाथ चौबे को पहचान लेती है। केदारनाथ चौबे अचंभित होता है और कई सारी इंफॉर्मेशन केदारनाथ चौबे को शांति देवी बताती है। शांति देवी केदारनाथ चौबे को एक कंप्लेन भी करती है कि उसने मृत्यु के समय केदारनाथ चौबे को बोला था कि दोबारा शादी मत करना, लेकिन फिर से उसने शादी करी। इस बात का केदारनाथ चौबे के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों ने अकेले में बात करी और इस बात के बाद दोनों में बहुत लंबी बात हुई और ये पता लगता है कि केदारनाथ चौबे शांति देवी के जवाबों से पूरी तरह से संतुष्ट था। उसको यह विश्वास हो गया था कि शांति देवी लुब्धि बाई का पुनर्जन्म है। ये सब चलता रहा, पूरे देश में खबर फैल गई। तो उस टाइम स्वतंत्रता से पहले प्री इंडिपेंडेंस टाइम में महात्मा गांधी ने एक 15 मेंबर की कमेटी गठित करी, जिसमें बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन लीडर्स और मीडिया पर्सन थे। सबने मिलके शांति देवी को एक मथुरा की विजिट करवाई। जैसे शांति देवी मथुरा जा रही थी तो उसको सब पता था। उसके जवाब कुछ इस तरह से थे। वो बता रही थी कि उसके पति की दुकान मथुरा में द्वारकाधीश टेंपल के बिल्कुल सामने है। वो एक कपड़े का व्यापारी है और उसका एक बच्चा है। उसको यह भी पता था कि घर के बीच में कुआ है जहां वो नहाया करती थी। और सारी इंफॉर्मेशन पति के घर वालों से रिलेटेड, उसके खुद के घर वालों से रिलेटेड, लुब्धि बाई के पेरेंट्स और उसके भाई बहनों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शांति देवी को पता था। यहाँ तक कि कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे उनको रेलवे स्टेशन से केदारनाथ चौबे के घर तक का रास्ता शांति देवी ने दिखाया। उसको एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक आदमी का नाम और पता सब मालूम था। कमेटी के मेंबर सरप्राइज होते हैं, सारी चीजें नोट डाउन करी जाती है और कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें निकल के आता है कि ये केस एक फुल्ली एक्सप्लेन रीइंकार्नेशन का केस है। विश्वास नहीं होता इन चीजों पे, लेकिन ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। ये केस उस टाइम का एक बहुत फेमस केस था, जिसमें कि पुनर्जन्म को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना संभव था। बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने रीइंकार्नेशन की स्टडीज करी हैं वो आए इंडिया, उन्होंने और शांति देवी के इंटरव्यूज करे, जिसमें निकल के आता है कि शांति देवी एक फुल्ली एक्सप्लेन रीइंकार्नेशन का केस था। रिसर्चर हैं बहुत सारे जिन्होंने रीइंकार्नेशन की स्टडी करी। सो रीइंकार्नेशन वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है एंटरिंग इनटू द फ्लैश, जो मांस का जो बॉडी है इसके अंदर फिर से प्रवेश करना। ऐसी हाइपोथेसिस है, ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक फिजिकल फॉर्म होती है और एक नॉन फिजिकल फॉर्म होती है, जिसको हर एक रिलीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदुइज्म में उसको आत्मा के नाम से जाना जाता है। जब डेथ होती है तो जो नॉन फिजिकल फॉर्म है वो नहीं मरती, वो इमॉर्टल होती है। सो वो एक फ्लैश से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में प्रवेश करती है, जिस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। आत्मा का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में प्रवेश करना ट्रांसमाइग्रेशन होता है। और यदि किसी मरे हुए आदमी की आत्मा किसी बच्चे के अंदर ट्रांसमाइग्रेट कर जाती है, ऐसी कंडीशन में वो सारी बातें याद रख सकता है। इसको रीबर्थ भी बोला जाता है। सो पुनर्जन्म को साइंटिफिकली साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन करा और कई सारी स्टडीज करी, कई सारे इस तरह के रिकॉर्डेड केसेज हैं जो बहुत सारे लिटरेचर में वो पब्लिश हुए हैं। बड़े बड़े जर्नल्स जो हैं यूके और यूनिवर्सिटी, बड़े जर्नल में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए। शांति देवी और लुब्धि बाई का भी रीइंकार्नेशन का केस बहुत फेमस हुआ और बड़े बड़े जर्नल और मैगजीन्स में छपा हुआ केस। सो इंडिया में ये एक फेमस केस है रीइंकार्नेशन का। हालांकि अभी तक की कोई ऐसी स्टडी या कोई रिसर्च नहीं है जो इन रीइंकार्नेशन को सपोर्ट करे। हर एक रिलीजन में रीइंकार्नेशन को अलग अलग मतों से एक्सप्लेन करा जाता है। कुछ रिलीजन है जो ईस्टर्न रिलीजन है वो इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न रिलीजन है वो इसको सपोर्ट नहीं करते।
वो इसको एक मिथ बताते हैं। अभी तक कुछ क्लियर कट एविडेंस नहीं है, बस एक या दो केस हैं। इंडिया का पहला ऐसा फुल्ली एक्सप्लेन केस है शांति देवी, जिसमें एक बच्चा महज 6 साल की उम्र में सारी इंफॉर्मेशन बताता अपने घर वालों को और वो इन्फॉर्मेशन सही निकलती है। आपका क्या मानना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।